सत श्री अकाल जी सारिआं नूं, वीरां नूं, भैणां नूं, बच्चिआं नूं। बच्चे तां रहे नहीं, जवान हो गए तुसीं। सो महाराज चढ़दी कला रखे, गज के आखो वाहिगुरू जी का खालसा वाहिगुरू जी की फतेह। वैसे तां मैं चाहुंदा हुंदा कि ना बोलिआ जावे, मैं पिछे मुड़न लग्गिआ सी क्योंकि बोलण नूं साडे नुमाइंदे हैगे आ, इह वी बोलण तां चंगा। चलो जे तुसीं तुहानूं लगदा कि असीं वी बोलीए तां दो चार गल्लां। तां मैनूं अपणे उहने कहिंदे सी बाई जी जिहड़े स्टेज सामने, वह कहिंदे वी वध टाइम लाउणा। मैं कहा नहीं, मैं दो मिनट च मुका लैणा कम, सारियां गल्लां कर लैणियां आपां ने। मैं हर वारी इक्को गल कहिंदा हुंदा कि स्वै पड़चोल वी करदे रहिणा, इह तां जंग जित ली, इहदी फिकर ना करो, नेड़े ही आ कम। पर इह मुहिमां अगे वी जारी रखणियां पैणियां। खाली फसलां दे मुल वधा के आपां वापस चले जाइए ते जिस खिते च असीं रहिणे आ उत्थे वी बड़े सुधारां दी लोड़ है। उत्थे वी सानूं आप दा आप इसे तरह इकट्ठा करना पऊगा। क्यों सानूं किसी अमीर आदमी के पिछे भजना पैंदा है? क्यों लाल बत्ती वाली गड्डी सानूं साइड ते करदी है? क्यों सानूं ठाणे मूहरे बेपत होना पैंदा है? क्यों राजां दी कुड़ी नूं छेड़िया जांदा है? ये सारिया चीज़ों के लिए यही इसे तरह दी जिहड़ियां साडियां संस्थावां, इन्हां नूं मूहरे लगना चाहीदा है। ते जिहड़ा संयुक्त मोर्चा, मैं दुआ करदा है कि अगली बारी संयुक्त बना लाउणा पवे, ये भी सारे इकट्ठे हो जाण। ते मैनूं लगदा मन लोगे गल साडी, असीं तुहाडे बच्चे हैं ते जिहड़े साडे बजुर्ग हैं और ये सारे हक भी थोड़े को। पहला पहला लगता सी कई साडे जिहड़े लीडर हैं कि जे कलाकार आउणगे इन्हां दी टीआरपी वध जूगी, ये काते आ गए उरे तो इहो जिहा कुछ नहीं, असीं तुहाडे बच्चे हैं। सानू कोई शौक नहीं बोलण दा। इंसान कदों बोलदा? जदों ये दसना चाहुंदा कि मैनूं पछाणिया जावे। वो पछाण तुसीं पहली बहुत देती महाराज की कृपा। सो ये असीं तां तुहाडे नाल मोढे नाल मोढा जोड़ के खड़े हैं। पर एक चीज़ थोनू ये मन के चलना पऊगा कि इस संघर्ष च जिथे साडे बजुर्गों का इन्ना योगदान है, जिहड़े 40-40 साल जिन्होंने 50-50 साल इस संघर्षां च इन्हां च लाते, तो उत्थे ना कलाकारां ने भी इस जिहड़ा अंदोलन नूं तिखा बहुत करिया। मैनूं छड्ड के बाकी सारे कलाकारां दे नाम ते इक ताड़ी मार दिओ। सो आपां ने इन्हां नूं भी इकट्ठे करना है। हिंदू देखो इस अंदोलन ने एक बहुत वधिया गल करती। मैं पिछे पत्रकार एक सज्जन मिलिया सी, जदों उन्होंने ना नौ लिया के मोदी, मैं कहा नहीं, ऐ ना क्या कर मिस्टर प्राइम मिनिस्टर क्या कर, चलो रुतबे के हिसाब नाल उन्हां दी इज्जत करो। ईवन जदों मैं साडे पत्रकार भी कित्थे खड़े, साडे वाले आए कि दिल्ली वाले? तू आप दी सैल्फी बनाई है ना खसमा, तू पंजाब वाला ही है, बोलदे ही नहीं। वो जदों कहने ना भी जदों खबर लाने वह कहने भी राज्य वाले ने ऐ कहा, वो भी जे पुछे भी बापू की उम्र है बाबे की उम्र है, राज्यवाल साहब होंदा। सो जिहड़े साडे सत्कार ते जिहड़े साडे नुमाइंदे आ जिहड़े यूनियन के प्रधान है, इन्हां नूं साहब ते जी जरूर लाया करो। तुसी आप दी उम्र दे हिसाब नाल कम से कम, उह कहिंदे अगराह ने इदां कहा भी तू कोई जथेदार कह दे, कोई चाचा ताया कोई फुफड़ कह दे। तो जिहड़े साडे बजुर्ग उहनां नूं उस तरहां दा रुतबा दो जिहड़े उहनां ने घालणा घाली है। एवें आप 25 साल का जवाक होंदा ते उह इन्हां सीनियर बंदिआं दे नां नाल जी लावे तां अच्छा है, इह भी इक लियाकत दा प्रतीक है। बाकी तुसीं सारे सियाणे हो, तुहानूं सुनेहे दी भी कोई लोड़ नहीं। ते आ लोहड़ी है जिहड़ी, इह साडे लई इह तां दर्द दा पैगाम है, पर मैनूं लगदा आपां जित के इह लोहड़ी इह तों बाद इक वारी फिर मनावांगे। दो लोहड़ियां मनाया करांगे हर साल जित आपां जाणा। अच्छा पिछों वाले सो आपां ने सारिआं ने इत्थों इतफाक लेके जाणा है, इसे तरह का प्यार उत्थे जाके भी रखना आपस च, तां कि साडे वल कोई अख ना चके, सानू कोई मंदा चंगा ना बोले, साडे च कोई खामी ना होवे। इखलाक उदों शुरू हुंदा जदों कोई दुश्मन भी, वैसे तां होवे ना किसे दा, असीं चाहुंदे सारे ही अपने होण। जे दुश्मन ते भी कदे झूठा परचा ना करावांगे, जदों सर्वसंमति नाल सारियां पंचायतां होणगियां, फिर 10 पंचायतां दीआं इकट्ठियां करके इक पंचायत बणावांगे, जदों बहुत सारे झगड़े आपस च नबेड़ लांगे, फिर तुहानूं थाणिआं च धक्के नहीं खाने पैणगे, फिर तुहानूं किसे मंत्री नूं फोटो खिचाउण लई विआह च वी नहीं बुलाउणा पऊगा। अज इह हाल है, तुसीं मन्नो या ना मन्नो नौजवानों, कि जिहड़े किसान यूनियन जिहड़े लीड करदे आ इन्हां दीआं खबरां सब तों वध देखियां जांदियां। अज हर स्टेट दे जिहड़े मंत्री आ जिहड़े आ जिहड़े VIP आ उहनां दी कोई खबर ही नहीं लगदी, इन्हां नूं ना मीडिया दे रहा है, इन्हां नूं आपां लोक ही चक रहे हैं। सो दुनिया जिहड़ी है जदों लोक नायक बुला दिंदे आ फिर दुल्हे तों दुल्हा भट्टी वी बण जांदा, फिर लोहड़ियां मनाई जांदियां। इक ताड़ी जोरदार उस दलेर दुल्हा भट्टी लई। पंजाबी ना वक्खवादी है ना पंजाबी अतवादी है, पंजाबी सचवादी है ते सचवादी है।
जे 7000 रुपए क्विंटल कणक हो जाए तो पंजाब हरियाणा राजस्थान पूरे भारत को रोटी खवा सकते हैं। मैनू लगता नहीं कोई इतने भुखा सौगा एक ताड़ी किसानों की जिन्हें बाहरों आके इतने लंगर छकते हैं किसी को कदे मत्थे नहीं वट पाया जाता। इस तो बड़े देश भगत कौन हो सकते हैं मैंने दसो ये कौन है जिहड़े कहने पूछता है भारत इन्हों भारत नहीं पुछता इन्हों कमलिया जी इन्हों कहते नहीं पुछता जिहड़े चैनलों पर बैठ के लोग सारा दिन बिट बिट करी जाने इन्हों पुछो आ पत्रकार सारी उम्र साढ़े मैं जिहड़े पंजाब च देखना पुराने पत्रकार 40-40 साल तो पत्रकार है उन्होंने तो बेचारे ने चैनल बनाए नहीं इन्हों के चैनल कितों बन गए इन्हों पुछो कितों आदि फंडिंग थोड़ू बई इतने जो कोई गरीब की मदद करता है तो उन्होंने नोटिस कढ़ दिंदे आ एक ऐसा इंसाफ है किनिया बरीक चालां ते आ जांदी है सरकार। सो बेनती है कि कानून वापस लो लोगों को सुख का साह मिले अपने घर च जाण ते अगली मुहिम यह भी आरंभी जाए कि पंजाब जाके भी यूनियन वालों मेरे जिहड़े बजुर्गों सत श्री अकाल जी थोड़ी जिम्मेदारी खत्म नहीं हुई हुण थानू वाकडोर संभाली है पंजाब के जिहड़ा जन सैलाब है पंजाब के नौजवानों ने बाकी बजुर्गों बच्चों बीबियां ने जिस तरह का यह सुधार लिए आप सारे इकट्ठे हुए हैं तो अपनिया स्टेटा च भी ऐसे तरह सुधारा की असी कामना करते हैं असी थोड़े मोढ़े ना मोढ़ा जोड़ के खड़े हैं। सो बहुत बोलन की भी कामना नहीं आकांक्षा नहीं परमात्मा करे और मेरी इको बेनती है कि जब भी साढ़े इन्होंने जथेबंदियों के जोड़े आगू उन्होंने गल करी जाती है या उन्होंने पिठ पिछे गल करी जाती है तो उन्होंने जी साहब या पूरा प्रोपर ना लेके करी जाए ताकि इन्हों का सत्कार बहाल रहे इन्हों माण हो कि असी अपनी पूरी जिंदगी लोगों लेखे लाती एक ताड़ी इन्हों किसान आगुआ के नाते। हाँ पीजा आहो पीजे का बड़ा रौला पाया भी वह अपने ही मुंडा से जोड़ा पीजा ला के गया उरे पीजा खाने ला भी पीजा खाने क्या इतराज है अभी तो जापान वाली आइटम भी खाने बी सानू की प्रॉब्लम है साढ़े मुंडे तो 25-25 लाख जीपा भी बनाने थोनू की इतराज है वो इस करके बनाने क्योंकि जिहड़े चिरां तो साडे परिवार कनेडा अमरीका विदेशों च जिन्होंने 28-28 घंटे ट्रक दीआं सीटां ते बैठ के ट्रक चलाया ये उन्हां दी बदौलत असीं जीपां बनाउंदे आ उन्हां दी बदौलत पीजा खाने आ असीं मगज भी खाने आ तुहाडा इह जी गल नहीं इह जरूरी नहीं हुंदा अज दे युग च कि हिंसात्मक पक्ष नाल पेश होया जावे साडे कोल तर्क भी है साडे कोल दिमाग भी है साडे कोल दलील भी है कितने अकल वाले चार बंदे बिठा के गल तां करो फिर तुहानू 100 जवाब दे दईए तुहाडीआं बणाईआं चीज़ां च 100 नुक्स कढ दईए पर एवें एक अंदर कमरे में बैठ के कही जाना भी किसान ये अनपढ़ है ये फलाना है वो अनपढ़ा ने ही रोटी खवाई थोनों हुण तक कमलियो आ करोना च कोई सरकारी एड नहीं सी सारे मुल्कां च गौरमेंटां ने लोगों नूं पैसे दिते हैं असी लोगों नूं लंगर खवाया इस तों वड्डी कौम कौन हो सकती है। अजे तां साडा 20 रुपये वाला लंगर चली जांदा भाई अजे अज वाली कमाइया तो लोगों ने बाद च लेखे लाने हैं। सो ये गुरुआ पीर की बख्शिश है। हाँ जी बेबे अजे पई है हाँ असी उन्होंने हाँ बच्चे उन्होंने असी तो यह चाहते हैं भी जेडे साडे किसान ते मजदूर सानू इस तरह लाचार ही नहीं होना पेगा जे सत्ता की कुर्सी में हथ पा लो सारा पंजाब सारा हरियाणा थोड़े नाल एक ताड़ी इन्होंने नाते मार दो जरूर वो वक्री गल है कि राजनीतिक विंग नहीं बनाते या SAIC नहीं बनना चाहते पर मैनू लगता है कि सानू फिर हक मंगण की लोड़ नहीं हक साडी प्लेट च आ जाएंगे। सो धन्नवाद सारयां दा तुसी आए हो जिहड़े पंजाब च अजे बैठे रजाइयां च आ जाओ जे जे नहीं तो तुसी आओगे तो शायद इस इतिहास तो मुनकर हो रहे हो कि तुहाडा नाम भी तुहानू यह हौसला जरूर होगा कि मैं भी इत्थे जाके हिस्सा पाया सी नहीं गीत गूत गाउण मैं आया नहीं मित्रों ना मैं कलाकार हाँ कारा मैं बेचती हाँ कला मेरे अंदर है वह मैं थोड़ा बाद च प्रदर्शन करूँगा जो जितांगे कोई नहीं गीत हुण कलाकार सुनाई जाने गीतों का की है गाउणा तो साडा काम है नहीं उमें तो फेसबुक से सारा दिन निंदी जाने भी कलाकार ने समाज बिगाड़ता देखना अच्छ सारे कलाकार किसानी के गीत गा रहे हैं कि नहीं जब मैं 20 साल पहला गाना शुरू कर मेरे अपने दोस्त नाराज हो जाते यार आओ क्यों जहाँ गाना करता मैं ये काम होना है ये औले का स्वाद बाद पता लगना हूँ चंगे लगते हैं कि नहीं अज हर कलाकार गाना पै गया मजबूर हो गया ना क्यों हो गया क्योंकि तुम चाहते हो जो तुम चाहोगे ना उ कुछ होगा तुम चाहिया कि यह जन अंदोलन दिल्ली तख्त को हिलावे तो तुम इन जथेबंदियों का साथ दिता तो अज हर बंदा इतने आना अपना भाग समझदा दूर दुराडे देशों विदेशों बैठे भी इस गल तत्पर रहने कि मैं कदों जावा। सो मैनू लगता है कि इस अंदोलन ने भाईचारक सांझ वधाई है
ਲੋਕਾਂ ਚ ਹਿੰਦੂ ਮੁਸਲਿਮ ਸਿੱਖ ਈਸਾਈ ਦਾ ਪਾੜਾ ਖਤਮ ਕਰਤਾ। ਜੇ ਐਸੇ ਤਰ੍ਹਾਂ ਟਰੈਕਟਰ ਦਿੱਲੀ ਦੀ ਹਿੱਕ ਤੱਕ ਆਉਂਦੇ ਰਹੇ ਨਾ ਤਾਂ ਮੈਂ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਵਾਅਦਾ ਕਰਦਾ ਕਿ 84 ਕਦੇ ਨਹੀਂ ਵਾਪਰੂਗੀ ਤੇ ਪੂਰੇ ਭਾਰਤ ਚ ਕਦੇ ਦੰਗਾ ਨਹੀਂ ਹੋਊਗਾ ਜਿੱਦਣ ਅਸੀਂ ਇੱਕ ਹੋ ਗਏ। ਹਮਾਲ ਕੇ ਨਾਰੇ ਬਰਕਰਾਰ ਰੱਖੇ, ਸਦਾ ਹੀ ਬੁਲੰਦੀ ਤੇ ਰਹਿਣ, ਝੂਲਦੇ ਰਹਿਣ ਨਿਸ਼ਾਨ। ਸੋ ਮੈਂ ਗਾਉਣ ਗੁਣ ਸੱਚਿਓ ਨਹੀਂ ਆਇਆ, ਨਾ ਮੈਂ ਗਾਉਣਾ ਹੈ ਤੁਹਾਡੇ ਆਖੇ, ਮੈਂ ਸਿਰਫ ਬੋਲਣ ਆਇਆ ਸੀ। ਉਹ ਵੀ ਮੈਂ ਬੋਲਣਾ ਨਹੀਂ ਚਾਹੁੰਦਾ, ਪਿੱਛੇ ਮੁੜ ਜਾਣਾ ਚਾਹੁੰਦਾ ਸੀ, ਕਿਉਂਕਿ ਇਹ ਇਹ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਹੀ ਹੱਕ ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਾਡੇ ਲੀਡਰ ਹੈ, ਇਹੀ ਬੋਲਣਗੇ। ਔਰ ਇੱਕ ਮੇਰੀ ਹੋਰ ਛੋਟੀ ਜਿਹੀ ਬੇਨਤੀ ਹੈ, ਵੈਸੇ ਤਾਂ ਤੁਸੀਂ ਸਿਆਣੇ ਹੋ, ਸਿਆਣੇ ਹੀ ਹੈ ਸਾਰੇ, ਨੌਜਵਾਨ ਵੀ ਸਿਆਣੇ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਚੈਨਲ ਵਾਲਾ ਆਉਂਦਾ ਹੁੰਦਾ ਹੈ ਜਿਹੜਾ ਆਪਣੇ ਅੰਕਲ ਦੇ ਮੀਡੀਏ ਦਾ ਜਿਹੜਾ ਵੀ, ਤੇ ਉਹ ਹਰ ਬੰਦਾ ਨਾ ਕਾਲਾ ਪਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣੀ ਫਰਸਟ੍ਰੇਸ਼ਨ ਜ਼ਾਹਰ ਕਰਦੇ ਹੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਤੁਸੀਂ ਆਪਣਾ ਛੋਟਾਪਣ ਨਾ ਦਿਖਾਇਆ ਕਰੋ। ਮੰਨ ਲਓ ਕੋਈ ਬੀਬੀ ਆਉਂਦੀ ਹੈ, ਇੰਨੇ ਬੰਦੇ ਕਿਉਂ ਆਲੇ ਦੁਆਲੇ ਹੋ ਕੇ ਉੱਥੇ ਮੁਰਦਾਬਾਦ ਨਾ ਕਰਿਆ ਕਰੋ, ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਅਸੀਂ ਛੋਟੇ ਪੈਂਦੇ ਹਾਂ। ਜਦੋਂ ਕੋਈ ਤੁਹਾਡੇ ਨਾਲ ਪੱਤਰਕਾਰ ਬੇਸ਼ੱਕ ਤੁਹਾਡਾ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ, ਹਾਂਜੀ ਤੁਹਾਨੂੰ ਨਹੀਂ ਵੀ ਚੰਗਾ ਸਮਝਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ, ਓਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੁਸੀਂ ਪਹਿਲਾਂ ਆਓ, ਬੀਬਾ ਜਾਂ ਬੱਚਾ ਜੋ ਵੀ ਹੈ, ਕਹਿ ਬੱਚਾ ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਲੰਗਰ ਛਕੋ, ਤੇਰੇ ਘਰ ਚ ਕਿੰਨੇ ਮੈਂਬਰ ਆ, 5 ਬੰਦਿਆਂ ਦਾ ਪੈਕ ਕਰੋ, ਫਿਰ ਉਹਦੇ ਨਾਲ ਇੱਕ ਬੰਦਾ 10 ਬੰਦੇ ਚੋਣ ਲਿਆ ਕਰੋ ਵੀ ਆਪਣੇ ਚ ਸਭ ਤੋਂ ਅੱਛਾ ਬੁਲਾਰਾ ਕੌਣ ਹੈ, ਫਿਰ ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਤੂੰ ਗੱਲ ਕਰ। ਉਹ 10 ਬੰਦੇ ਇੱਕ ਨੂੰ ਘੇਰਦੇ ਆ, ਇਹਦੇ ਚ ਆਪਣੀ ਹੇਠ ਹੀ ਹੈ, ਇਹ ਮਰਦਾਂ ਦਾ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਹੈਗਾ। ਇਹ ਇਹ ਸਿਆਣੇ ਇਸ ਲਈ ਬਣਨਾ ਚਾਹੀਦਾ ਕਿ ਜਦੋਂ ਚੈਨਲ ਤੇ ਜਾ ਕੇ ਕਈ ਵਾਰੀ ਡਿਬੇਟ ਕਰਦੇ ਆਪਣੇ, ਕਈ ਬੰਦੇ ਉੱਥੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਬੋਲ ਲੈਂਦੇ ਆ ਜਿਹਦੇ ਨਾਲ ਉਹ ਗੱਲ ਨਹੀਂ ਬਣਦੀ, ਪਰ ਜਦੋਂ ਤੁਹਾਡੇ ਚੁਣੇ ਹੋਏ ਨੁਮਾਇੰਦੇ ਜੋ ਬਹੁਤ ਅੱਛੇ ਸਪੀਕਰ ਹੈ, ਜਦੋਂ ਉਹ ਬੋਲਦੇ ਆ ਉਹ ਗੱਲ 'ਚ ਦੁੱਗਣਾ ਵਜਨ ਹੋ ਜਾਂਦਾ। ਸੋ ਇਹ ਕੈਮਰੇ ਮੂਹਰੇ ਜਾਣ ਦੀ ਲਾਲਸਾ ਬੰਦ ਕਰ ਦਈਏ। ਜੇ ਕੋਈ ਤੁਹਾਨੂੰ ਸਵਾਲ ਪੁੱਛਦਾ ਪੱਤਰਕਾਰ ਆ ਕੇ, ਉਹਨੂੰ ਕਹਿ ਯਾਰ ਉਹ ਬੰਦਾ ਸਾਡੇ ਖੜਾ ਸਾਹਮਣੇ ਉਹ ਹੀ ਗੱਲ ਕਰੂਗਾ, ਉਹ ਸਿਆਣਾ। ਸੋ ਹਰ ਬੰਦਾ ਹਰ ਕੰਮ ਨਹੀਂ ਕਰ ਸਕਦਾ, ਇਹ ਲੀਡ ਕਰਨਾ ਵੀ ਕਿਸੇ ਕਿਸੇ ਦੇ ਨਸੀਬਾਂ 'ਚ ਹੁੰਦਾ। ਸੋ ਇੱਕ ਜ਼ੋਰਦਾਰ ਤਾੜੀ ਇਹਨਾਂ ਸਾਡੇ ਬਜ਼ੁਰਗਾਂ ਨੇ ਜਿਹਨਾਂ ਨੇ ਇੰਨੀ ਘਾਲਣਾ ਘਾਲੀ ਅਤੇ ਆਪਦੇ ਦਾਮਨ ਨੂੰ ਦਾਗਦਾਰ ਨਹੀਂ ਹੋਣ ਦਿੱਤਾ, ਅਤੇ ਬੜੀਆਂ ਗੱਲਾਂ ਚੱਲੀਆਂ ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੂੰ ਖੱਬੇ ਸੱਜੇ ਕਰਨ ਦੀਆਂ, ਪਰ ਇਹ ਹੋਰ ਸਪੀਡ ਨਾਲ ਤੇਜ਼ ਹੁੰਦਾ ਚਲੇ ਗਿਆ, ਜਿਵੇਂ ਦਰਿਆ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲੈਂਦਾ, ਇਸ ਅੰਦੋਲਨ ਨੇ ਆਪਣਾ ਰਾਹ ਬਣਾ ਲਿਆ। ਗੱਜ ਕੇ ਆਖੋ ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ। ਦੂਜੀ ਗੱਲ ਮੈਂ ਬੇਨਤੀ ਕਰੂੰਗਾ, ਹੈ ਜਿਹੜੇ ਸਿਆਣੇ ਆ ਸਾਰੇ ਬਈ, ਆ ਖੁਦਕੁਸ਼ੀਆਂ ਜਿਹੜੀਆਂ ਕਰਦੇ, ਇਹ ਇਹ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀ ਕਮਜ਼ੋਰੀ ਨਹੀਂ ਆਪਾਂ ਨੇ ਦਿਖਾਉਣੀ, ਔਰ ਇਹਨਾਂ 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 ਲੋਕਾਂ ਪਿੱਛੇ ਭੁੱਖ ਹੜਤਾਲ ਵੀ ਨਹੀਂ ਰੱਖਣੀ। ਰੱਜ ਕੇ ਖਾ ਕੇ ਬੈਠੋ, ਸਾਡੇ ਕੋਲ ਦਲੀਲ ਆ, ਅਸੀਂ ਕਾਹਦੇ ਭੁੱਖੇ ਬੈਠੀਏ ਇਹਨਾਂ ਦੇ ਮੂਹਰੇ, ਭੁੱਖੇ ਭੁੱਖੇ ਇਹ ਤਾਂ ਕੋਸ਼ਿਸ਼ ਕਰਦੇ ਹਾਂ ਵੀ ਐਂ ਕੁਛ ਹੋਵੇ, ਅਸੀਂ ਨਹੀਂ ਕਰਨਾ। ਸੋ ਸਾਡੇ ਲਈ ਯਹੂਦੀਆਂ ਵਾਂਗੂ ਇੱਕ ਇੱਕ ਪੰਜਾਬੀ ਕੀਮਤੀ ਹੈ, ਇੱਕ ਇੱਕ ਬੰਦਾ ਸਾਡਾ, ਸਾਨੂੰ ਇਹ ਸੀਕ੍ਰੇਟ ਸੁਸਾਇਟੀਜ਼ ਬਣਾਉਣੀਆਂ ਪੈਣਗੀਆਂ, ਆਪਸ 'ਚ ਇੱਕ ਦੂਜੇ ਨਾਲ ਇਨਡਾਇਰੈਕਟ ਜੁੜਨਾ ਪਊਗਾ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਨਾਮ ਦੀ ਭੁੱਖ ਨਹੀਂ, ਜਿਹਦੇ 'ਚ ਇਹ ਆਕਾਂਕਸ਼ਾ ਨਹੀਂ ਕਿ ਮੈਂ ਮੂਹਰੇ ਹੋਵਾਂ, ਜਿੱਥੇ ਤੂੰ ਹੀ ਤੂੰ ਦਾ ਨਾਰਾ ਹੁੰਦਾ। ਜੇ ਇਸ ਤਰ੍ਹਾਂ ਦੀਆਂ ਸੁਸਾਇਟੀਆਂ ਅਸੀਂ ਬਣਾ ਲਈਏ ਤਾਂ ਫਿਰ ਘੱਟ ਗਿਣਤੀ ਨੂੰ ਕਦੇ ਮਾਰ ਨਹੀਂ ਪਊਗੀ। ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕਾ ਖਾਲਸਾ, ਵਾਹਿਗੁਰੂ ਜੀ ਕੀ ਫਤਿਹ।